हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ IRCTC के शेयर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शेयर में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है और शेयर प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी नीचे आता हुआ देखने को मिला। तो गाइस, न्यूज़ की अगर बात करें तो शेयर में काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी देखने को मिली है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और इसके साथ मैं आपको अगले दिन का इसका सेंटीमेंट भी डिस्कस करने वाला हूँ कि अगले दिन आपको ये बुलिश कैंडल प्रोवाइड करा सकती है या फिर बेयरिश कैंडल, और अगले दिन आप किस तरह के कैंडल के साथ ट्रेड करें तो ज़्यादा बेटर हो सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस तरह के सारे कन्फर्मेशन के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, और इसी तरह के शेयर्स न्यूज़ हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, एनएसई के चार्ट में मैंने आपको चार्ट डिस्कस किया है, जो कि IRCTC का चार्ट मैंने लगा रखा है। और आप देख सकते हैं कि IRCTC के चार्ट के साथ जो है इसकी अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस देखें तो 923 के देखने को मिल रही है। अगर बात करेंगे इसकी अप्स एंड डाउन की, तो आप ये देख सकते हैं 96.95 रुपीज़ से अप बनाता हुआ देखने को मिल रहा, जो कि ये 11.74% से आपको ये अप बनाता हुआ शेयर देखने को मिल रहा है। यानी गाइस, अगर देखें तो शेयर में आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो आप देख सकते हैं इसकी प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 4130 की देखने को मिली है, जो कि अगर बात करें इसके आज की ओपनिंग प्राइस की तो 817 की ही देखने को मिली है, जो कि अगर देखें इसके हाई प्राइस जो कि 983 की देखने को मिली और 810 का इसने लो भी क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी 4130 की इसने प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो कि अगर बात करें इसके आज के ओपनिंग प्राइस की तो 817 की देखने को मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा की अंतर देखने को मिली है। शेयर में आपको बहुत ही बड़ी गिरावट जो कि लगभग 80% की गिरावट देखने को मिल गई है। लेकिन बात करें उसके बाद शेयर में अप की, तो आप देख सकते हैं इसने आज जो है 11.74% का अप भी बनाया है। तो शेयर में क्या इस गिरावट की बात करें तो आप देख सकते हैं शेयर में आज गिरावट की न्यूज़ जो है यही मिलते हैं कि शेयर में आज कोई गिरावट देखने को नहीं मिली, बट आपको यहाँ पे स्प्राइट देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर प्राइस भी आपको कम होते हुए देखने को मिले हैं। तो इस शेयर में स्प्लाइट का मतलब है कि आप अगर आप शेयर को अप ऊपर जाते हुए प्राइस पे काफ़ी अप पे शेयर को अगर किसी ने पहले भी बाई कर रखा होगा तो लोकल यानी कि नए इन्वेस्टर्स के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए इस शेयर में इन्वेस्टिंग के चांसेस आपको क्लियर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से स्प्लाइट देखने को मिले और शेयर प्राइस भी नीचे आता हुआ देखने को मिला। जो बायर्स पहले से शेयर को बाई कर रखे थे उनके लिए आपको यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है, लेकिन उनके अगर बात करें तो गाइस एक तरह से समान तरह के न्यूज़ मिलते देख रहे हैं, यानी कि लगभग उनके लिए कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही, उनके बदले आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर भी दिए गए हैं। तो शेयर में अप की कारण यही बन सकती है कि शेयर जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नए इन्वेस्टर्स भी इसमें हावी होते हुए देखने को मिले, शेयर को बाई करते हुए देखने को मिले और पुराने इन्वेस्टर्स तो इसमें लगे हुए हैं ही। तो गाइस, काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग आज शेयर में देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ट्रेडेड वॉल्यूम क्या देखने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 5,92,42,056 की आपको यहाँ पे इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम देखने को मिली। उसी तरह आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसकी 52 वीक हाई में क्रिएट करो और आपको कंफर्म करना तो आप देख सकते हैं 1,279 की यहाँ पे आपको 52 वीक हाई देखने को मिली, जो कि अगर यहाँ पे फोकस करें तो आप देख सकते हैं 19 अक्टूबर जो है 21 को इसने अपना 52 वीक हाई अचीव किया था। गाइस, अगर देखें तो गाइस यहाँ पे 52 वीक हाई अचीव करते हुए देखने को नहीं मिल रहा, जो कि अगर प्रीवियस क्लोजिंग के अनुसार इसके 52 वीक हाई अचीव करते हुए अगर कवर करें तो इसके काफ़ी ज़्यादा हाई अचीव देखने को मिल सकता था। जिस अनुसार यहाँ पे शेयर में स्प्लाइट देखने को मिली उसी अनुसार इसके 52 वीक हाई अरेंज करके आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर इसकी डिलीवरी, तो गाइस यहाँ पे इसकी आज की डिलीवरी क्या देखने को मिली, जो कि मैं आपके साथ करंट अपडेट क्लियर कर रहा हूँ इसके आज के डेट का ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसकी क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 5,59,42,827 की इसकी क्वांटिटी ट्रेड देखने को मिली। लेकिन अगर गाइस अगर बात करें इसके डिलीवरी क्वांटिटी की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,27,29,630 क्वांटिटी के साथ इसकी आज डिलीवरी देखने को मिली। अगर परसेंटेज देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22.75% की जो है आज ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिला, काफ़ी बड़ी इस शेयर में डिलीवरी देखने को मिली है। यहाँ से तो पुराने इन्वेस्टर जुड़े हुए हैं ही, साथ में आपको यहाँ पे नए इन्वेस्टर्स के आपको यहाँ पे आगमन देखने को मिल रही है। नए इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए इस शेयर में अभी देखने को मिले हैं। तो इस शेयर में स्प्लाइट के कारण ही इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आइए मैं आपको कंफर्म कराता हूँ कि स्प्लाइट के बाद आखिर इस शेयर में आपको उछाल देखने को मिल सकती है नहीं, या फिर उछाल के बाद इसके टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं। आइए मैं आपको सेंटिमेंट्स कन्फर्म कराता हूँ रियल चार्ट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके सामने जो है 1 डे कैंडल के साथ जो है IRCTC का चार्ट लगा रखा है। अगर बात करें इसके इंडिकेटर्स की, तो आप देखते हैं मैंने आपके सामने जो है RSI का इंडिकेटर भी आपके कंफर्मेशन के लिए क्लियरली इसके ग्राफ भी आपके सामने दिख रहे हैं। जैसे कि अगर बात करें इसके सिग्नल्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसके 52 वीक हाई की रेट करता हुआ मैं आपको कवर करूँ तो आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर जाता हुआ शेयर देखने को मिला था, तो उसी के अनुसार अरेंज करके आपको 52 वीक हाई अचीव कराया गया है। जैसे कि अगर बात करें तो आप देख सकते हैं इसने जो है स्प्लाइट के बाद इसने अपना 810 का इसने आज अपना सपोर्ट अचीव करता हुआ इसमें काफ़ी बड़ी रिवर्सल आपको प्रोवाइड की और शेयर आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर जाता हुआ भी देखने को आपको मिला। जैसे कि मैंने आपको पिछले
पिछले पीछे भी बताया करीब 11% की अप शेयर में आज देखने को मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके नजदीकी टारगेट जानते हैं। तो इसके नजदीकी टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं और कितने तक का प्रॉफिट आपको कम समय में यह प्रोवाइड करा सकती है, तो यही देखते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट जैसा कि अगर आप देखें तो 1308 की इसकी फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल रही है, जो कि काफी बड़ी प्रॉफिट आपको कुछ ही समय में दिला सकती है। अगर बात करें इसको ब्रेकआउट के बाद बन रहे नए टारगेट्स की, तो आप देखते हैं 1773 की इसके सेकंड टारगेट, और एक बड़े टारगेट की बात करूं तो 2509 की इसकी एक थर्ड टारगेट भी देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी प्रॉफिट आपके सामने देखने को मिल सकती है। अगर बात करें इसके सिग्नल्स की, तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं RSI जो है काफी वीक हो चुका है, तो यहां से अप जाने के चांसेस काफी क्लियरली देखने को मिल रहे हैं, और नए नए बायर्स हावी होते हुए यहां पे शेयर में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि गाइस यहां पे ट्रेंडिंग हावी होते हुए शेयर में देखने को मिल रहा है, तो यहां से अप के चांसेस क्लियरली बन सकती है, शेयर ऊपर की ओर भागने के चांसेस काफी क्लियर हो रहा है। तो शेयर में आपको कुछ समय के लिए उछाल के चांसेस आपको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको कम समय में काफी बड़ी टारगेट आपको प्रोवाइड करा सकती है और एक बड़ी प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं। तो ये जैसे कि मैं आपको RSI के अनुसार क्लियर किया, काफी वीक हो चुका है, तो यहाँ से आपको बुलिश के चांसेस मिल सकते हैं, तो इस थोड़े समय के लिए आप वेट कर सकते हैं, आपको कंफर्म सिग्नल के चांसेस काफी क्लियरली मिलने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी आपको काफी क्लियर बुलिश कैंडल्स प्रोवाइड करता हुआ है शेयर आज देखने को मिला, इस फ्लैट के कारण शेयर में गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से आज आपको यहाँ पे क्लियर ये सिग्नल कर नहीं पाया, इसकी वजह से आप अगले दिन वेट कर सकते हैं। अगले दिन ट्रेडिंग सेशन पे फोकस बना रखें, आपको कंफर्म सिग्नल मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बनती हुई देखने को मिल रही है, अगले दिन आप बुलिश कैंडल के साथ ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है। तो इस वीडियो में बना रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के सीरियस न्यूज हमें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेटर सपोर्ट के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।